का सिलसिला आज भी जारी है। आज एयर इंडिया की 5, इंडिगो की 1 और विस्तारा की 1 फ्लाइट में बम की झूठी खबर के चलते डिस्टरबेंस पैदा हुई। पिछले 3 दिन में 2 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट में बम की झूठी धमकी ने सरकार को एक्शन मोड में ला दिया है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं, आज 3रे दिन भी जो हॉक्स कॉल्स हैं वो मिलती रही हैं, और सरकार क्या कुछ एक्शन लेने की तैयारी में है? जी, कुल मिलाकर अगर हम पिछले 3 दिनों को हम कैलकुलेट कर लें कितने इस तरह के हॉक्स कॉल्स आए हैं, तो कुल मिला के 26 के करीब ऐसी अफवाहें आई हैं जिसकी वजह से हवाई यातायात काफी हद तक प्रभावित हुआ है। आज कुल मिला के 7 इस तरह की के हॉक्स कॉल्स आए हैं। अधिकतर जो इसमें इस तरह के कॉल्स थे वो सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं। 5 एयर इंडिया, 1 विस्तारा का जो फ्रैंकफर्ट से मुंबई आ रहा था उसमें 147 यात्री थे, उनको निकाला गया और फिर बाद में जांच में कुछ नहीं पाया। और ठीक इस तरह से इंडिगो का इस्तांबुल से दिल्ली, वहां पे भी पूरी जांच की गई। दरअसल होता यह है कि जब भी इस तरह का एक कॉल आता है तो एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, और उस प्रोटोकॉल में भले ही ये हॉक्स कॉल हो, भले ही ये सोशल मीडिया के थ्रू आया हो, लेकिन पूरी एहतियात को बरता जाता है। और जब तमाम जांच की गई, बैगेजेस की जांच की गई, कुछ नहीं पाया गया। लेकिन अब सरकार इस पर काम कर रही है कि क्या हम इस तरह की सिचुएशन में कैसे इससे निपटा जाए, क्योंकि एंटी हाईजैकिंग को लेकर हमारे पास लॉ है, लेकिन इस तरह के हॉक्स कॉल को लेकर कैसे निपटा जाए, तो 2-3 बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। कल भी मीटिंग हुई थी, आज भी मीटिंग हुई है, और जिन चीजों पर विचार हो रहा है कि एक कानून, एंटी हॉक्स कॉल कानून बनाया जाए, इसके लिए अलग अलग मंत्रालयों की जरूरत पड़ेगी, उस पर काम हो रहा है फिलहाल। दूसरी तरफ ऐसे लोगों को जो पाए जाते हैं, कल्प्रिट पाए जाते हैं, उनको कितने समय के लिए हम नो फ्लाई लिस्ट पर डाल सकते हैं, इस पर काम हो रहा है। और आखिरकार कुछ जो खास रूट्स है, खासतौर पर कुछ इंटरनेशनल रूट्स है, वहां पर क्या एयर मार्शल्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अधिकतर जो हॉक्स कॉल आते हैं वो तब आते हैं जब जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ कर चुका होता है, तो वहां पर एयर मार्शल की मौजूदगी जो है सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएगी। तो इन चीजों पर विचार हो रहा है, और आने वाले कुछ दिनों तक हम देखेंगे कि अलग अलग मंत्रालयों के बीच बैठक इसको लेकर होती रहेगी। शुक्रिया रोहन इस खबर पर पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं सोने की, जिसकी चमक लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज MCX पर गोल्ड ने रिकॉर्ड स्तर छुआ। 76,978 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई बनाकर वायदा बाजार में अपना दबदबा बनाया है। दूसरी ओर कॉमेक्स पर $2,700 प्रति ऑन्स के उच्चतम स्तर पर कीमतें पहुंच चुकी हैं। खाड़ी देशों में जियोपॉलिटिकल संकट, अगले महीने US में ब्याज दरों में कटौती की संभावना, और आज जारी हो रही ECB रेट में कटौती की उम्मीद से सोने को सपोर्ट मिला है। अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। बजाज ऑटो की कमजोर कमेंट